हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे शरीर रचना विज्ञान यानी एनाटॉमी की प्रमुख शाखाएं के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एनाटॉमी की कौन कौन सी शाखाएं होती है, उन सभी के बारे में अपना आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं साइटोलॉजी, जिसमें क्या किया जाता है, इसमें सेल की उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं, इसमें ऊतकों की सूक्ष्म संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है या ऊतकों यानी टिश्यूज की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है भ्रूण विज्ञान यानी एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं, तो इसमें निषेचन से भ्रूणी अवस्था के 8 सप्ताह के मध्य में होने वाले भ्रूणी विकास का अध्ययन किया जाता है, यानी कंसेप्शन से लेकर 8 सप्ताह के मध्य में जो फर्टिलाइज ओवम रहता है उसमें क्या क्या विकास होता है उसका अध्ययन किया जाता है एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत। यानी 7 से 8 वीक तक का जो ओवम रहता है उसे अपन एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं, फर्टिलाइज ओवम, ठीक है। तो उसकी स्टडी करना तो एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं, तो इसमें शरीर के रूप एवं रचना के विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है भ्रूण रचना विज्ञान यानी फिटल एनाटोमी। फिटल एनाटोमी या फिटस एनाटोमी बोलते हैं। इसमें भ्रूण के 8 सप्ताह के बाद से बच्चे के जन्म तक के विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें क्या किया जाता है, 8 सप्ताह के बाद से, यानी जो फर्टिलाइज ओम है उसके 8 सप्ताह के बाद से जब तक उसका जन्म नहीं हो जाए, जब तक उसमें जो वृद्धि विकास होता है उसका अध्ययन किया जाता है फिटल एनाटोमी के अंतर्गत। नेक्स्ट है ऑर्गेनोलॉजी यानी अंग विज्ञान। इसमें मानव शरीर के अंगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है मांसपेशी विज्ञान यानी मायोलॉजी। इसमें मानव शरीर की मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी किसे कहेंगे, तो इसमें शरीर की अस्थियों का अध्ययन किया जाता है यानी बोन्स का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जन्मजात विकृति विज्ञान यानी टेट्रोलॉजी। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें जन्मजात विकृत भ्रूणों का अध्ययन किया जाता है, यानी जब कोई शिशु जन्म लेता है तो उसमें कौन कौन से जन्मजात विकृतियां हैं यानी कंजेनाइटल डिसऑर्डर मौजूद है उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी। इसमें जीन्स, गुणसूत्र एवं इनका पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट न्यूरोलॉजी यानी तंत्रिका विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी यानी सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञान। इसमें सूक्ष्म दर्शन माइक्रोस्कोपी द्वारा दिखाए जाने वाले अति सूक्ष्म अवयवों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञान यानी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसमें नग्न आंखों द्वारा दिखाई देने वाली सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्षेत्रीय शरीर रचना विज्ञान। इसमें शरीर के विभिन्न भागों जैसे वक्ष यान चेस्ट, सिर यान हेड, पाँव टो आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट सतही शरीर रचना यानी सरफेस एनाटोमी। इसमें शरीर की सतह पर स्थित किसी आकृति चिन्हों आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट रोग हेतु विज्ञान यानी एक्टिनोलॉजी। बीमारी का कारण ढूंढने का विज्ञान। रक्त संचार विज्ञान एंजियोलॉजी, सॉरी ये एक्टिनोलॉजी यानी रक्त रोग हेतु विज्ञान किसे कहेंगे, तो बीमारी का कारण ढूंढने वाला विज्ञान जो रहता है उसे एक्टिनोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद रक्त संचार विज्ञान यानी एंजियोलॉजी, रक्त संचरण का अध्ययन करना एंजियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट ऑर्थोलॉजी, मानव शरीर की संधि का अध्ययन करना यानी जॉइंट का अध्ययन करना। नेक्स्ट कार्डियोलॉजी, हृदय का अध्ययन करना। एंडोक्राइनोलॉजी, शरीर में स्थित विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करना। नेक्स्ट हीमेटोलॉजी, रक्त एवं रक्त से संबंधित विकारों का अध्ययन करना। नेफ्रोलॉजी, उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन करना। नेक्स्ट ओडेंटोलॉजी, दांत संबंधी अध्ययन करना ओडेंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट ऑप्थेल्मोलॉजी, आँख संबंधी अध्ययन करना। ओटोलॉजी, कान संबंधी अध्ययन करना था। सीरोलॉजी, सीरम संबंधित अध्ययन करना। ये सभी शाखाएँ एनाटॉमी की महत्वपूर्ण शाखाएँ हैं।